नमस्कार, मैं हूं आजाद। एसडीएफ न्यूज में अब तक की 10 बड़ी खबरों के साथ स्वागत है आपका। बिहार के छपरा में राम प्रवेश राय और मढ़ौरा के जिला परिषद सदस्य पतासो देवी के कारोबारी बेटे प्रिंस की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ 4 दिन बाद भी खाली हैं। हत्या के 4 दिन बाद भी पुलिस आरोपी और घटना से जुड़े कोई सुराग बरामद नहीं कर पाई है। बताते चलें कि 4 दिन पूर्व अपराधियों ने प्रिंस की हत्या कर शव को चिराई घर के पास फेंक दिया था। किसानों की आय दुगनी करनी है तो कृषि विभाग से ज्यादा उद्यान विभाग को सक्रिय करना होगा, यह बात शासन भी जानता है। इस लक्ष्य को रखकर कई योजनाएं यूपी सरकार बना रही है। यूपी सरकार अब गंगा के दोनों किनारों पर औषधीय पौधों के साथ जैविक खेती पर भी जोर देगी। इसके साथ ही हर मंडल में एक बड़ा पाली हाउस हो, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। जापान के आओमारी प्रिवेंचर में सोमवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई। जापान के मेट्रोपोलिटिकल एजेंसी की ओर से यह जानकारी दी गई है। स्थानीय समय के अनुसार भूकंप के झटके सुबह 2:23 पर महसूस किए गए। वहीं भूकंप का केंद्र 40.7 डिग्री उत्तर और देशांतर पर 142.7 डिग्री पूर्व रहा। बिहार की राजधानी पटना में सर्दी का कहर जारी है। सोमवार सुबह पटना में घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार पटना में 2-3 दिन से ठंड बढ़ गई है। कोहरे की वजह से सुबह बाइक चलाने में भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद राजद ने आज समीक्षा बैठक बुलाई है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत सभी जीते और हारे हुए कैंडिडेट के अलावे सभी जिला के जिलाध्यक्ष और महासचिव भी शिरकत कर रहे हैं। समीक्षा बैठक में बोलते हुए विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि किसान आंदोलन को बिहार में तेज करने की जरूरत है। राजद महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, वह अपने दम पर किसान आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ा सकती है। बिहार में आपराधिक घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेखौफ अपराधी एक के बाद एक वारदात को अंजाम दे रहे हैं। नई घटना जमुई से सामने आई है, जहां बेखौफ अपराधियों ने धारदार हथियार से एक शिक्षक की हत्या कर दी है। वहीं घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मौके पर पहुंची पुलिस के खिलाफ पथराव शुरू कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद झारखंड सरकार के द्वारा आज से सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। 10वीं और 12वीं की क्लास आज से शुरू हो जाएगी। इसको लेकर स्कूलों में तैयारी मुकम्मल कर दी गई है। आपदा विभाग के द्वारा गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। राजद सुप्रीमो और चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू यादव की सबसे छोटी बेटी राजलक्ष्मी यादव इन दिनों चर्चा में है। उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है। दरअसल राजलक्ष्मी यादव ने ट्विटर पर घुड़सवारी करते हुए तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों को काफी पसंद किया जा रहा है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण से किसी की मौत नहीं हुई है, जिससे राज्य में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1010 पर स्थिर रही, जबकि 172 नए मामले सामने आए हैं, जिन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या अब बढ़कर 1,13,025 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की रविवार की रात्रि जारी बुलेटिन में यह जानकारी दी गई। बिहार के औरंगाबाद के पुलिस महकमे में उस वक्त खलबली मच गई जब अंबा थाने में तैनात एसआई जितेंद्र प्रसाद ने खुदकुशी कर ली। मृतक जितेंद्र रोहतास के नटवार थाना क्षेत्र के प्यूरो के निवासी थे। रविवार सुबह 9 बजे उन्होंने अपने कमरे में सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। वहीं आनंद फानन में उन्हें सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि आत्महत्या की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। तो एसडीएफ न्यूज पर आपने देखा 10 बड़ी खबरें। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एसडीएफ न्यूज।